करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जिला के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 100 करोड़ रुपए के विकासात्मक कार्य तथा परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। हरियाणा के हालातों को मद्देनजर रखते हुए मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस से मिलने से साफ इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 सितंबर को करनाल से इंद्री खंड के गांव भोजी खालसा में बने एक नए 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री 2 सितंबर को ही घरौंडा शहर के उपभोक्ताओं के लिए एक नए 33 केवी सब स्टेशन के निर्माण कार्य की आधारशिला करनाल से ही रखी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पश्चिम यमुना नहर पर गांव बुडनपुर जानी जुंडला असन घरौंडा इत्यादि गांवों को करनाल उन्नत सड़क से मिलान के लिए बने एकल स्पैन स्टील पुल का करनाल से ही उद्घाटन किया। इसके अलावा पश्चिमी यमुना नहर पर ही गांव घोगड़ीपुर नरुखेड़ी पिंगली इत्यादि गांवों को करनाल मुनक सड़क से मिलान के लिए बने एकल स्पैन स्टील पुल का उद्घाटन करनाल से किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री करनाल में बरसाती पानी निकासी का समुचित प्रबंध करने के उद्देश्य से अमृत स्कीम के तहत करीब 84.50 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रॉन्ग वाटर वर्क का शिलान्यास। मुख्यमंत्री हरियाणा में 2 सितंबर को ही साय 6 बजे स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित मन पकाओ सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में 150 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। ये महिलाएं शहर के विभिन्न आध्यात्मिक स्थानों में पिछले 10 वर्षों से मन पकाओ प्रतियोगिता में भाग लेती आ रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज तक 3500 परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें से 2100 को पूरा कर लिया गया है और काम भी चल रहा है। 3 वर्षों तक ये योजनाएं पूरी कर ली जाएंगी और 500 के करीब और घोषणाएं की जाएंगी। हमारे मंत्रीगण भी उसमें बराबर का अपना जो समय अपनी अपनी विधानसभाओं में दे पाते हैं, उतना समय मैं अपनी विधानसभा में नहीं दे पाता, लेकिन आप फिर भी मेरी अनुपस्थिति को आप सबसे मिलजुल करके उस काम को पूरा करते हैं, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद तो लानी होती है। अभी किया भी बहुत है, शेष भी बहुत है। हमने अपने आने वाले 3 वर्ष में किसी भी पहले की सरकारों की तुलना में सबसे अधिक काम किया है, ऐसा मेरा दावा है। विकास के काम तो हमने किए ही है, यानी अभी तक की पिछले वर्ष 2016 के अंत तक पूरे प्रदेश की 3500 घोषणाएं ये जो हुई, इनमें से 2100 से ऊपर घोषणाओं पर या तो काम पूरा हो चुका है या काम चालू हो चुका है। जो अभी फाइलों से आगे बढ़ेगा, जिसकी कहीं डीपीआर बनेगी, कहीं एस्टीमेट बनेगा, कहीं जमीनों का मामला है तो जमीन को प्राप्त करने का विषय आता है, तो ऐसी चीजें बढ़ने में इस वर्ष के अंत तक सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा मेरा दावा है। या 4 महीने जो बचे हैं, इन 4 महीनों में और 400-500 घोषणाएं होंगी, वैसे लगभग 1000 नई घोषणाएं भी होंगी। उन्हीं का परिणाम है कि एक एक करके काम अपने सामने आ रहे हैं। जैसे आज 3 गांवों का उद्घाटन किया है, उसके अंदर 33 केवी का सब स्टेशन है भोजी में, फिर ये जो पुल है एकल स्पैन स्टील पुल पश्चिम यमुना कनाल के ऊपर है, इसी प्रकार एक दूसरा पुल भी है पश्चिम यमुना कनाल के ऊपर, 2 ये जो पुल है ये बन के तैयार हो गए हैं और ये जनता को समर्पित कर दिए हैं। लगभग 15 करोड़ रुपए के 3 काम है योजना, अमृत स्कीम के अंदर 84 करोड़ रुपए की योजना है।